बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। व्यूअर्स, आज हम एक और स्पेशल पैकेज बनाने आए हैं। शरीफाबाद का इलाका है ये, और आप देख सकते हैं पेशावर में है। हम पिछले साल भी आए थे जब हमारा सीज़न वन था, उसमें हम अकबर बादशाह का जो है तो आपने नाम सुना होगा, उनसे जो है तो हमने काफ़ी तफसीली इंटरव्यू किया था। उन्होंने कुछ खूबसूरत दुम्बे रखे हुए थे, बैल रखे हुए थे, वो वीडियो भी हमारी पड़ी हुई है। उस वीडियो का लिंक जो है तो हम इसके साथ, इस आज वाली वीडियो के साथ शेयर कर देंगे। ये आज हमारा सीज़न टू है, और सीज़न टू में हम एक बार फिर अकबर बादशाह साहब के पास आए हैं। एक व्यू देख सकते हैं, ये भी उन्होंने कुछ बैल रखा हुआ है, और ये सामने खड़े हैं वो। इनसे सलाम दुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? तबीयत ठीक है? ठीक ठाक हैं आप? सेट है जी। और ये उनका डेरा है, ये व्यू देख लें सामने जो है तो ये खड़ा है। इनसे मुकम्मल तफसीली बात करेंगे, इसके दांत कितने हैं, इनको खिलाते क्या हैं, इसका वज़न कितना है। और हमारे साथ रहिए। इनसे पूछेंगे इसका नाम क्या रखा हुआ है, दांत पे कितना है। और ये देख लें, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत हैवी है। और ये एक व्यू देख लें, इसको बाहर अभी निकाला है अपने डेरे से, एक व्यू देख लें। तो आप एक व्यू देख सकते हैं, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत जो है तो हैवी बैल है। अकबर बादशाह को आप देख सकते हैं, वो भी इसके साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे जी? तबीयत ठीक है? ठीक ठाक हैं आप? आपने इससे, इसके ऊपर प्यार से क्या नाम रखा हुआ है जी? इसका नाम बबलू है। बबलू नाम रखा हुआ है जी। अच्छा व्यूवर्स, इसका एक व्यू देख लें। आपने जो है तो अकबर बादशाह ने इसका बबलू नाम रखा हुआ है, प्यार से एक व्यू देख लें। और अच्छा सर, ये बता दें कि आपने इसको किस मंडी से खरीदा है, या किसी के डेरे से खरीदा है, किधर से खरीदा है सर? ये बादशाह जी के डेरे से खरीदे, सैयद फैजान अली शाह बादशाह। अच्छा जी, उधर से खरीदा है सर। अच्छा, जब आपने ये खरीदा था तो उसकी उम्र कितनी थी जी? इससे ये उस वक्त की रहता तकरीबन, इसकी उम्र थी 18 माह या 20 माह। अच्छा, 18-20 माह थी। अच्छा, और इसको आप खुराक में क्या देते हैं, कुछ स्पेशल खुराक है इसकी क्या है? ये तो आम जानवरों का खुराक ही खाते हैं, मगर इसकी पसंदीदा खुराक जो है दूध पीना है और साथ में गुड़ खाना है। अच्छा व्यूअर्स, बबलू की आप अकबर बादशाह कह रहे हैं कि बबलू की जो खुराक है वो गुड़ खाना है, गुड़ बड़े शौक से जो है तो खाता है और दूध पीता है। मैं ये बता दें, कभी खुदा ना खास्ता ये बीमार हो जाए या इसको कुछ मसला हो जाए, तो आप खुद ही इसका इलाज करते हैं कि नहीं किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं जी? नहीं भाई, इसकी इलाज हम खुद ही करते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास ले जाते हुए इसके मसला बन जाता है जी, जी आने जाने का जी जी। और हमारे एक दोस्त है डॉक्टर साजिद, उसका नाम है, वो आता है फिर उसकी देखभाल के लिए, वो हमारे साथ होता है। अच्छा, वो इधर आपके घर पे, आपके डेरे पे आता है जी, करते हैं। अच्छा सर, ये बता दें कि इसका इस वक्त वजन कितना होगा जी? खैर, अल्लाह के करम से इसका वजन इस तक तकरीबन होगा 40 मन। अच्छा व्यूअर्स, इस वक्त देख लें, इस वक्त जो है तो बबलू का वजन कह रहे हैं अकबर बादशाह तकरीबन 40 मन इसका वजन होगा। एक व्यू देख लें आप, काफी माशाल्लाह काफी हेल्दी है और इसका 40 मन। अच्छा ये बता दें, इस वक्त ये दांत पे कितना है सर? ये दांत पे 4 है। दांत पे 4 है, थोड़ा सा अगर दांत हमें बता दें इसके। व्यूअर्स, बबलू के दांत आप देख लें। व्यूअर्स देख लें, दांत पे 4 है और जो है तो वजन इसका 40 मन कह रहे हैं। एक व्यू देख लें, माशाल्लाह काफी खूबसूरत है एक। अच्छा इसने कभी आपको गुस्से में कोई टकर मकर मारी हो, या बच्चों को कहीं वो किया हो, थोड़ा सा इसके बारे में? हमको सिर्फ मोहब्बत करना था, ये मोहब्बत करते, किसी के टकर मकर नहीं मारते अभी तक खुदा ना खास्ता, कोई हादसा नहीं हुआ हमारा। अच्छा, इसको आप चक्कर के लिए ले जाते हैं रात के वक्त या दिन के वक्त ले जाते हैं? चक्कर लगाते वक्त किसी को, बच्चे को तंग मंग किया हो या कोई डर गया हो? ऐसा कोई मसला नहीं हुआ हमारे साथ, क्योंकि ये बड़ा मोहब्बत से जाता है रास्ते में और बच्चों के साथ मोहब्बत करता है। अच्छा ये आप ये बता दें कि आपको ये शौक कब से हुआ है जी? कब से ये शौक आप? ये मेरा ताया था अजी सरदार खान जी, जी उससे ये शौक मुझे पड़ा है। वो पहले जो है ना दुम्बे रखता था, उसकी शौक की वजह से हमें भी शौक पड़ा और हमने भी रखना शुरू किया। अच्छा ये बता दें सर कि ये कौन सी सन की बात आप करें, जब आपके तकरीबन इसके 30 साल हो गए जब से वो शौक करता था, अभी तकरीबन 22 साल हो गए मैं खुद शौक कर रहा हूँ। अच्छा, और आपके बच्चों को भी क्या शौक है जिस तरह आपको शौक है इन चीजों का? बिल्कुल, मेरे बेटे को भी और मेरे पोते को भी। जी जी, अच्छा व्यूअर्स देख सकते हैं, वो कह रहे हैं मेरे पोते को भी है और मेरे बेटों को भी इन चीजों का शौक है। उनके जो है तो वालिद और दादा को ये शौक था दुम्बो का, और अभी जो है तो उन्होंने बड़े बैल रखने शुरू कर दिए हैं। एक व्यू आप देख सकते हैं। जब आप इसको, आपने तो इसको बच्चों की तरह बिल्कुल रखा हुआ है, तो जब आप इसको ईद कुर्बा पे कुर्बान करेंगे सुन्नत इब्राहिमी पे, तो उस वक्त आपके क्या एहसास होते हैं, क्या वो होता है जी?
बस ऐसे एहसास होते हैं जिस तरह इंसान अपने बच्चे को ज़िबा करे, ऐसे एहसास होता है इंसान को, बड़ा दुख होता है जी जी, मगर अल्लाह की रजा सबसे प्यारी होती है। सही। अच्छा ये बता दी, छुरी आप खुद वो करते हैं कि नहीं, कसाई को बोलते हैं? नहीं, अल्लाह की रजा के लिए मैं खुद करता हूँ। खुद करते हैं तो उस वक्त दिल बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और व्यूवर्स देख रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने इसको अपने बच्चों की तरह पाला हुआ है, लेकिन जब इसको जब सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक हम इसको ज़बह करते हैं, वो करते हैं, तो उस वक्त जो है तो इनके जो होते हैं बहुत ही दिल खफा होता है। और एक व्यू देख लें, तकरीबन गली के भी जो है तो सब बच्चे आ जाते हैं बबलू को देखने के लिए। एक व्यू देख सकते हैं, काफ़ी जो है तो बच्चे आते हैं और बबलू को जो है तो प्यार मोहब्बत से देखते हैं। एक व्यू देख लें आप। अच्छा सर ये बता दें कि ये कौन सी नस्ल का है, इसकी नस्ल हमें बता दें। ये जो है ब्राह्मण नस्ल से इसका ताल्लुक है जी जी, और ब्राह्मण नस्ल इस वक्त पूरे दुनिया में सबसे बड़े जानवर इसके हैं। अच्छा ब्राह्मण नस्ल। अच्छा इसके अलावा सर थोड़ी सी कुछ और नस्लों के बारे में बता दें कि इसके अलावा और कौन सी मशहूर जो है तो अभी ये हैदराबाद से जो आते हैं, एक जो है रेगिस्तानी में जी जी सहीवाल की नस्ल के आते हैं, हमारे पिशावर के अपनी नस्ल के जो है ना आते हैं, और खासकर लोग जो है तलगन नस्ल से ज्यादा पालते हैं जी जी, फतेहजंग नस्ल वाली पालते हैं जी जी, बहुत सारे जानवर पाले जाते हैं। अच्छा सर आपने फिर ये वाली नस्ल क्यों पसंद की, इसकी क्या वजह थी सर? इस नस्ल को जो है ना लोग खामोश नस्ल बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मोहब्बत वाले जानवर होते हैं, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं जी जी, और मालिक के साथ बड़े मोहब्बत से रहते हैं। ब्राह्मण नस्ल जो ब्राह्मण। अच्छा व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमें जो है तो अकबर बादशाह इसके नस्ल के बारे में भी बता रहे थे, ये जो नस्ल है कहते बड़ी प्यार मोहब्बत वाली है। अगले साल 2023 के लिए क्या इरादा है, कुछ खरीदा हुआ है सर? उसके लिए हमने खरीदा हुआ है जिसका नाम हमने खरगोश रखा हुआ है। खरगोश नाम, खरगोश नाम रखा हुआ है, और आप जरा उसे देख सकते हैं। अच्छा अच्छा अभी है डेरे में वो भी। अच्छा डेरे में इस वक्त मौजूद है। 2023 के लिए भी जो है तो अकबर बादशाह ने खरीदा हुआ है, और उसके ऊपर जो है तो इसका नाम इन्होंने बबलू रखा हुआ है प्यार से, और उसका नाम खरगोश रखा हुआ है। ये उनसे पूछेंगे कि उसके नाम खरगोश क्यों रखा है और वो किधर से खरीदा है, तो हमारे साथ रहिए। एक व्यू देख लें, इसको जो है तो अकबर बादशाह ने अगले साल के लिए खरीदा हुआ है, और इसके ऊपर इन्होंने प्यार से नाम खरगोश रखा हुआ है। खरगोश क्यों नाम रखा है तो ये जरा उनसे पूछेंगे। अब तक जितने भी हम वीडियोस बनाते आए हैं, किसका बबलू नाम होता है, किसका राजू नाम होता है, और मुख्तलिफ नाम रखे होते हैं, लेकिन ये पहला जो है तो एक इस तरह का मुनफरद नाम है खरगोश, कि हम जो है तो पूछेंगे इसका क्यों नाम रखा है, तो हमारे साथ रहिए जी। सुन लिए अभी जो है तो अकबर बादशाह ने जो अगले साल के लिए रखा हुआ है, इसका एक व्यू देख लें, माशाल्लाह काफी भी ये खूबसूरत है। इनसे पूछेंगे कि इस वक्त इसकी उम्र कितनी है और इसके दांत कितने हैं, ये कहां से खरीदा है, तो क्या जिस तरह बबलू पे इन्होंने मेहनत की है इस पे भी करेंगे। और अच्छा सर ये बता दें कि इसका आपने नाम अभी हमें बताया है कि खरगोश नाम रखा है, ये क्यों सर थोड़ा सा ये बता? इसकी मोहब्बत की वजह से, इसकी मोहब्बत आप देख लें जी जी, ये बहुत मोहब्बत करने वाले खरगोश की तरह मोहब्बत करता है, गोद में बैठता है। अच्छा बिल्कुल टक्कर मकर नहीं मारता जी? नहीं जी, टक्कर मारने वाली नस्ल नहीं जी। हाँ हाँ ये मोहब्बत करने वाली है। अच्छा सर ये बता दें इस वक्त इसकी कितनी उम्र होगी, कितनी एज होगी इसके साथ? इसकी तकरीबन उम्र 12 महीने होगी। अच्छा 12 माह होगा, अभी एक साल का है सर ये? एक साल का। अच्छा और ये आपने कहाँ से खरीदा है सर? ये लाहौर की मंडी से खरीदा। लाहौर की मंडी से। अच्छा ये व्यूअर्स खरगोश को जो है तो इन्होंने लाहौर की मंडी से खरीदा है, और एक व्यू देख लें, ये इन्होंने अगले साल के लिए रखा हुआ है। तो ये बता दें सर कि जिस तरह आपने बबलू पे खुराक की है, तो इंशाल्लाह इस पे भी करेंगे कि नहीं, इसके लिए कोई मुनफरद खुराक सोची हुई है आपने जी? इसके लिए हमने एक मुनफरद काम सोचा हुआ है, इसके लिए हम दूसरी गाय खरीदेंगे। अच्छा और पूरा साल इसे गाय का दूध देंगे। अच्छा यानी इसके लिए स्पेशल आप दूसरी गायें खरीद रहे हैं खरगोश के लिए, और उसको जो है तो उसका जो दूध होगा वो इसको पिलाएंगे। जिस तरह आपके पहले वाले बबलू को दूध पसंद था और गुड़ पसंद था, तो इसको भी जो आप इसी तरह आदि करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा व्यूअर्स देख लें, अकबर बादशाह कह रहे हैं कि इसके लिए हम एक स्पेशल गाय खरीदेंगे, जिसका दूध जितना दूध भी होगा वो हम सब जो है तो खरगोश को पिलाएंगे। जिस तरह साथ ही ये देख लें बबलू, देख लें बबलू को जो है तो गुड़ और दूध पसंद था, इसी तरह इनके लिए अब खरगोश के लिए जो है तो एक स्पेशल गाय अकबर बादशाह खरीदेंगे, और उसका जितना दूध होगा वो सिर्फ इसको पिलाएंगे। अच्छा ये जो खरगोश है ये कौन सी नस्ल का है? ये राजस्थानी नस्ल, इसे बोलते हैं हम राजस्थानी जी जी, क्योंकि इसके कद बेल बहुत बड़ा हो जाता है, और माशाल्लाह कराची में सब लोग इसे पसंद करते हैं राजस्थानी नस्ल को। अभी इसकी इस तरह कोई पहचान है कि जिससे आम बंदा पहचान सके कि राजस्थानी नस्ल? जिस तरह आपने बबलू के बताए उसके कान बड़े हैं,
वो कानों से पहचाना जाता है। अब इसकी ये कद बेल से इसकी पहचान होती है, इसकी टांगों से पहचान होती है, इसकी ये झालर से पहचान होती है, साथ में इसके ये कान और ये कलर एक जैसे होता है, बाकी सफेद होता है, छोटे छोटे से निशान होते हैं इसके काले, बस और कुछ नहीं होता है। अच्छा, इसकी ये सबसे बड़ी निशानी है, बड़ी निशानी है। अच्छा व्यूअर्स देख सकते हैं, ये जो है तो खरगोश की जो है तो हमें बता रहे थे कि कौन सी नस्ल का है। देख सकते हैं जो है तो अकबर बादशाह ने जो है तो इनके लिए काफ़ी जो है तो ज़बरदस्त जगह बनाई हुई है। गर्मियों में जो है तो इनके लिए ये देखें पंखे का भी बंदोबस्त किया होता है, पंखा 24 घंटे लगा रहता है बबलू का, बबलू के लिए। और साथ में जो है तो खरगोश भी खड़ा होता है, वो भी जो है तो देख सकते हैं इसका व्यू। तो चलते हैं, ये व्यूवर्स बबलू जो है तो अपने डेरे की तरफ वापस जा रहे हैं। ये देख लें क्यों, चक्कर लगाने के बाद अपने डेरे की तरफ चला गया है। और ये उसके बाद जो है तो खरगोश भी आ रहा है, जिसका नाम इन्होंने रखा हुआ है खरगोश, बहुत ज़बरदस्त नाम रखा है। और अकबर बादशाह के साथ है, ये देख लें अपने डेरे की तरफ अंदर आ गए हैं दोनों। ये एक इसका खरगोश का व्यू देख लें, इसको अगले साल के लिए इन्होंने रखा है। और ये जो है तो इंशाल्लाह इस बार बबलू को जो है तो सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक जो है तो कुर्बान करेंगे। तो उम्मीद है एक छोटी सी वीडियो आज हमने बनाई है कि आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल को ऑन रखें ताकि जितनी भी वीडियोज़ हो आपको मिलते रहे। जी शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।